मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे साथ हैं भाजयुमो के पूर्व प्रदेश मंत्री डॉक्टर भानु प्रताप सिंह जी। भानु जी, गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल है, कश्मीर में धारा 370 हट गया, राहुल गांधी का बयान आया है कि सरकार जो है उन्हें विश्वास में नहीं लिया, संपूर्ण विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया, इस पर आपका क्या कहना? आपको नहीं लगता कि जल्दीबाजी में लिया हुआ फैसला है? नहीं, ये जल्दीबाजी में लिया हुआ कदम नहीं है, क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ और आज तक जब तक भाजपा की गवर्नमेंट नहीं थी, ये सारा मुद्दा कांग्रेस के पास था। और आज 370 को लेकर कश्मीर में जो भी हालात आज उत्पन्न है, ये इसका पूरा अगर देखा जाए, उसको आप अध्ययन करें, तो ये सिर्फ कांग्रेस की देन है, नहीं तो धारा 370 तो बहुत पहले हट गई होती। राहुल गांधी का बयान को जो है क्या कहते हैं, पाकिस्तान जो है UNA में लेकर जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? ये बहुत आपको नहीं लगता कि सरकार का इसमें बदनामी हो सकती है? ये बहुत दुखद घटना है, क्योंकि धारा 370 किसी मोदी सरकार का ही मामला नहीं है, ये भारत के 130 करोड़ जनता का मान और सम्मान का मामला है। और भारत में ही अगर आप देखें तो अन्य प्रदेशों में और जम्मू कश्मीर में काफ़ी अभी तक जो भी धारा 370 को लेकर जो भी वहाँ चीज़ें थी, उसमें बहुत अंतर है। और आज जब धारा 370 कश्मीर में समाप्त हुई, तो वहाँ के नौजवान, वहाँ की जो महिलाएं हैं, वहाँ के जो भी हैं, वो बहुत खुशहाल अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और जब आप वहाँ जाएंगे, उनसे बात करेंगे, मीडिया तो स्वतंत्र है जाने के लिए, तो आप उनसे जब चर्चा करेंगे तो वो आप पाएंगे कि अब तक 370 में कश्मीर को कितना दबा के रखा गया। मीडिया तो जाने के लिए स्वतंत्र, फिर जो है मीडिया को क्यों रोका गया जम्मू कश्मीर? मीडिया को इसलिए रोका गया कि अभी कुछ हालात नाजुक थे, देश के सुरक्षा को लेकर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान विश्व पटल पर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इस वजह से अभी जब वहाँ पर धारा 370 हटा, तो सरकार ने कुछ सोच समझ के ये कदम उठाया है कि जब कुछ दिन में जब सब कुछ सामान्य हो जाए, और राहुल गांधी जैसे हमारे देश के जो नेता हैं, भारत को बदनाम करने के लिए धारा 370 में जो बयानबाजी कर रहे हैं, उसको पाकिस्तान अपना हथियार बनाए हुए हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और पूरे देश कि जितनी जनता है वो सब नरेंद्र मोदी सरकार के साथ है, और 370 धारा जो ख़त्म हुआ उसका स्वागत करती है। धारा 370 की बात तो हो गई, देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ गई है, इसका कारण क्या है? और सरकार जो है हाथ में हाथ थपथपाई हुई है, पीठ थपथपा रही है। महंगाई बढ़ी नहीं है, आप देखेंगे तो जब से मोदी सरकार बनी है, सारे चीज़ों के, चाहे वो सब्जियाँ हों, चाहे वो रोज़मर्रा की वस्तुएँ हों, उसके दाम कम हुए हैं। लेकिन इधर कुछ हालात ऐसे हुए थे जिसको सरकार बहुत गहन चिंतन और मनन करके उस पर काबू पाने का भरसक प्रयास कर रही है, और बहुत हद तक प्रयास कर में सफल भी हुई है। और सफल हुई है तो फिर 8% से GDP दर घट के 5% क्यों आ गई? कुछ थी, कुछ वजह थी उस पर, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और बहुत जल्दी ये सामान्य हो जाएगा। इस पर सरकार इस दिशा पर काम कर रही है, और हमारे वित्त मंत्री जी का बयान भी आया था कि GST को लेके और चाहे अन्य जो भी इस समय ऑटोमोबाइल उद्योग था, उस सब पे वो नियंत्रण करके और उस पे काफ़ी हद तक छूट दे के वो सब नियंत्रण किया जाए। ऑटोमोबाइल की बात की है आप, 2 लाख रोजगार जो अभी विपक्ष का नहीं, अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह और देश के पूर्व प्रधानमंत्री का आरोप है कि ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में 2 लाख लोगों को रोजगार जो है रोजगार से हाथ धोना पड़ा है, जो लोग रोजगार करते थे उनकी नौकरी चली गई है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये बयानबाजी करने से काम नहीं चलेगा, अगर उनके पास सही में आंकड़ा है तो उसको वो पेश करें। मोदी सरकार तो केवल आप देखेंगे स्किल डेवलपमेंट ले के और नौजवानों को आगे बढ़ाने का और हर भरसक प्रयास कर रही है कि अधिक से अधिक नौजवान रोज़गार पाएँ, अधिक से अधिक महिलाएं हमारे सुरक्षित हो, तो हर दिशा में आप ये देखेंगे हर क्षेत्र में केवल जनता के लिए ही काम हो रहा है। सरकार के किसी मंत्री पे एक कार्यकाल पूरा हो गया, कोई एक पैसे का आरोप नहीं लगा सकता है, और दूसरे कार्यकाल में जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय जो भी मंत्री हैं, वो बेदाग छवि को लेके और केवल देश के विकास के लिए और देश के जो भी हमारे किसान भाई हैं या हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान हैं, उन सबको कैसे वो सुरक्षित हों, कैसे रोजगार मिले, इस दिशा में दिन रात वो प्रयास कर रहे हैं काम। बात अगर UP की करें तो अखिलेश यादव का बयान आया है, देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है BJP, इस पर आपका क्या कहना है?
इस पर मैं क्या कहूँ, ये तो विपक्ष का काम है कि सरकार अगर अच्छा भी करेगी तो वो सरकार को टांग खींचने का उनका काम है। ये अखिलेश यादव नहीं कह रहे हैं, ये विपक्ष की सभी जो दल हैं मोदी सरकार से इतनी घबराई हुई है कि एक कार्यकाल के बाद वो सब एकजुट होकर भी मोदी जी को रोक नहीं पाए, और उसी का परिणाम है कि आज अखिलेश जी अपना जो बुआ बनाए हुए थे मायावती जी को, बुआ भी उनसे अलग हो गई, और बुआ ने ही समर्थन किया जब राहुल गांधी जी कश्मीर में जा रहे थे और उनको जब रोका गया तो मायावती का बयान आया था, आप लोग देखे होंगे, मायावती का कि हालात जब नाजुक दौर पे है तो इस समय ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, कुछ दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कहीं सीबीआई का डर तो नहीं है? सीबीआई का डर अभी क्यों है? सीबीआई का डर तो पिछले गवर्नमेंट में भी मोदी सरकार थी, तो उस समय तो उनसे वो सपा से समझौता की, तो अगर डर होता तो उस समय भी उनको डर होना चाहिए था, लेकिन वो समझी इस बात को कि नहीं, इस समय देश के लिए विपक्ष को भी मोदी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, और वो एक विपक्ष के अच्छे विपक्ष के अलावा भी एक भारत के नागरिक होने के नाते उन्होंने ये बयान दिया कि राहुल गांधी को ये कदम जल्दीबाजी में नहीं उठाना चाहिए। भानु जी गोरखपुर लाइव से बात करेंगे, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप गोरखपुर लाइव चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।